हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाएंगे चूल्हे पर रोटी, क्योंकि आज मौसम ठंडा है, बारिश का सा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मैं डेली चूल्हे पर रोटी नहीं बनाती, क्योंकि अब गर्मी पड़ रही है, गर्मी का मौसम है। तो सुबह होते ही इस पर चूल्हे के ऊपर धूप आ जाती है, तो धूप में और धुआं, धूप की गर्मी कुछ और कुछ धुआं, तो मेरे नज़ला बन जाता है। इस कारण मैं चूल्हे पर रोटी नहीं बना सकती। तो आज मौसम ठंडा है, बारिश का सा मौसम बन रहा है, बादल भी हो रहे हैं और ठंडी हवा भी चल रही है। तो मैंने सोचा कि आज चलो हम चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, और चूल्हे की रोटी बहुत स्वादिष्ट लगती है। आ जाओ जी, खा लो जी, जिसको खानी है चूल्हे की रोटी। और डेली हमारे शाम के टाइम तो बना लेती हूँ मैं चूल्हे पर, क्योंकि शाम के टाइम तो छाया हो जाती है, धूप नहीं रहती, तो सुबह सुबह ही धूप आ जाती है, इसलिए सुबह के टाइम नहीं कर पाती मैं चूल्हे पर रोटी। और मैंने सुबह उठकर झाड़ू लगाई, चाय बनाई, सब्जी बनाई, दही को बिलोया, और छोटे मोटे और अपने काम किए। कुछ काम करने के बाद अब टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं, तो 8 बज रहे हैं, इसलिए अब मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि इनको भी अपने ऑफिस जाना है और बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। तो हम रोटी बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अपनी फैमिली में, दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें प्लीज़। Thank you.
जी रोटी बन गई है हमारी सारी, और अब मैं इनको अंदर ले जाकर रख दूंगी, क्योंकि ये बाहर बहुत तेज़ हवा भी चालू हो गई है, आंधी आने वाली है और बारिश आने वाली है। और जी अब जा रहे हैं हम अपने घेर में, खरक में, जहाँ पर हमारे पशु रहते हैं, वहाँ पर हम चारा वारा डालेंगे, कुछ थोड़ा बहुत काम करेंगे, और फिर हम मिलेंगे जी कल नए व्लॉग में। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें प्लीज़। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।